खुमरी गत मित नकदास सदा कुर्बानी। बोलना जी सतनाम श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। एक ओवंकार श्री वाहेगुरु जी की फतह है। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगत गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईया जिस डिठाए सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरी है कर नाओ निधावे ताए सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होए सहाय। दसह पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा त्यांतर के बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जापियां तापियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया। देग चलाई तेग वाही देख के अण डिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान तर के खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणहीआं ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरी आ लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चिराए गए। गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां स्वासां नाल निभाही तिना दी सच्ची कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान तरके बोलो जी। प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहगुरु 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 चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होए जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छिया रियायत देग तेग फतह ब्रद की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे पवित्र दर्शन इसनान चौंकिया झंडे बुंगे जुग हो जुग अटल धर्म का जयकार खालसे जी के बोल बाले बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा राखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे नमाणियां दे माण नितानियां दे ताण नियोटियां दी ओट चावर छत्र तखत दे मालिक हाजरा हजूर जाहरा जहूर सरब कला समरथ नाम बाणी दे बोहित दया दे सागर कल युग दे जहाज शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी। आप जी हजूर अरदास बेनती सतगुरु जी आप जी दे महान फरमान ने सतगुरु नांगे आमना नांगे जावना हर हुक्म पया क्या कीजै जिसकी वस्त सोई लै जाएगा रोश किसे स्यों कीजे दे महावाका अनुसार आप जी दे दरगर दे पीतमान सत्कार योग सरदार सुरजीत सिंह जिन्हां नूं आप जी ने जिनक आयु आरबला बख्शी संसारक यात्रा करदे होए सचे पातशाह जी पूरी कर गए जिन्हां दी आत्मक शांति वास्ते परिवार ने श्री अखंड पाठ साहिब महान यज्ञ की सेवा लई परसों रोज तो आरंभ होई अते अज सचे पातशाह जी संपूर्णता होई। उपरंत आप जी दी छत्र छाया हेठ दीवान सजाए गए सजे दीवाना विच शब्द कीर्तन आनंद साहिब जी दे पाठ होए दाता जी आप जी दी महान तुरकी बाणी नूं पढ़दे आ सुणदे आ
बेअंत प्रकार दियां भुलां चुका होईया ने दाता जी बख्शन योग हो बख्श देना अगहां तो समत बख्शणी जी। कृपा करने विछड़ चुकी रूह आत्मा नूं शांति बख्श करके अपने चरण कमलां विच निवास बख्शणा जी। परिवार विच सुख शांति वरतावणा जी। बच्चियां नूं देह रोगता तंदुरुस्तियां दी दात बख्शणी। अपने दर घर दे नाल परिवार नूं इसे प्रकार जोड़ के रखना सतगुरु। परिवार ने तीन दिन आप जी की महान सेवा की सचे पातशाह, जिस विच पाठी सिंघां दी लंगर की सेवा हुई। सचे पातशाह जी मोख भेटा हाजिर कीतियां, आप जी नूं सोहणे पोशाके हाजिर कीते ने, रुमाले हाजिर कीते ने। जिन्हां कड़ाहां देगां दे विच इह सेवा हुई लंगर प्रशादे दी, सतगुरु जी से देगां तपदियां रहण, सिख संगत छकदी अते छकाउंदी रहे। सचे पातशाह जी परिवार का आउण वाला समा सुखां दा बतीत करवाउणा, प्यारिआं नूं सुखां दा हंडाउणा बख्शणा जी। औखियां घड़ियां विघना अड़चना तों बचा के रखना जी, दर घर दे नाल जोड़ के रखना। दूरों नेड़ों आईआं संगतां दी हाजरियां अपने दर ते प्रवान करने जी, जिन्हां पासे खजाने आए से भरपूर करने। आप जी हजूर कड़ाह प्रशादी देग हाजर है जी, गुरु की संगत वास्ते लंगर हाजर ने जी। दर प्रवान होवे दर प्रवान होवा प्रशाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो जी। जो छके सो सतनाम श्री, कृपा करो आप जी अपना इलाही हुक्मनामा बख्श के दर ते आई संगतां नूं मिठियां आसीसां बख्शो जी। सही प्यारे मिल हो जिन्हां मिलिया आप जी दा नाम चित आवे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आ गया पही अकाल की, सब सिखन को हुक्म है। गुरु ग्रंथ जी माने ओ, जो प्रभ को मिल बोच है। राज करेगा खालसा, ख्वार होए सब मिलेंगे, ख्वार होए सब मिलेंगे। बोले सोनियाला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डंडोत बंदन अनेक बार, सर्व कला सम्रथ डोलन तेरा खो प्रभु। नानक दे कर हथ, ना हो जती सती नहीं पड़या। मूरख मुगधा जन्म पया, प्राणवत नानक तिन की शरण। जिन तो नाही विसरिया, सो कहो टल गुर सेविया। निस सहज दर्शन जन्म मरण, हो वै सिपत खसम दी। उदिठे सचे पातशाह, सजण सचा पातशाह। जिस पास बैठिया सोही है, सो
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਟੋਡੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ ਤਾਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹ ਬਿਆਪੈ ਜਾ ਕੋ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ ਤਾਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹ ਬਿਆਪੈ ਜਾ ਕੋਟ ਤੁਹਾਰੀ ਰਹਾਉ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਨਾ ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰ ਜਾਰੀ ਨਵ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੈ ਅੰਤ ਚਲੈ ਗੋਹਾਰੀ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਤਿਨ ਹੀ ਗਾਏ ਜਾ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਧਨ ਉਸ ਜਨਮਾ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਤਿਨ ਹੀ ਗਾਏ ਜਾ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਧਨ ਉਸ ਜਨਮਾ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰੀਨਗਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਹਰੀਨਗਰ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਪਤਵੰਤ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਮਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਸ਼ੋਕ ਮਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ
इस इलाके की जानी मानी हस्ती साढ़े बजुर्ग सरदार सुरजीत सिंह जी की अंतिम अरदास जुड़ बैठी गुरु रूप साध संगत जी फतेह की सांझ करिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरे हिसाब नाल जिन्ना क आप संगतां दा ठाठा मारदा समुंदर आप देख रहे हो, सरदार सुरजीत सिंह जी दी केवो जी शख्सियत सन, केहो जिहा उन्हां दा इलाके विच दिल्ली विच मान सन्मान सी। मैं समझदा इत्थे कहण दी लोड़ नहीं, ये अपने आप च ही जड़ी अंतिम सभा जड़ी हैगी है ये दर्शा रही है कि उन्हां दा पार्टीवाद तो हट के निजी तौर पर सब घरेलू संबंध जिदे नाल कोई काम होए आप अगे हो के चल के काम कराना ये उन्हां दी खासियत सी। बहुत ही सोहनी अपनी उम्र भोगी है। मैं बहुत कुछ नहीं कहांगा क्योंकि साढ़े विच बहुत सारे बुलारे भी आए ने जिन्हां दा उन्हां दा निजी प्यार सी, होर बहुत ही पतवंते सज्जन आए ने, सारिआं नूं बुलाना संभव नहीं होएगा टाइम नूं देखदे होए। परिवार वल्लों कुछ पतवंते सज्जनां दा नाम दित्ता गया जिन्हां नूं स्टेज ते आके जिन्हां ने श्रद्धा दे फुल भेट करने ने। मैं उन्हां विच्चों सब तो पहले सरदार हरशरण सिंह बल्ली जी, एक्स इंडस्ट्रियल मिनिस्टर दिल्ली गवर्नमेंट, वह भी साढ़े विच आए ने। मैं उन्होंने बेनती करांगा कि स्टेज पर आ जान, बुलारियां दे चरणों से बेनती है कि सिर्फ टाइम नू देखते हुए दो दो मिनट का टाइम लाइए। सारिआं दे मनां विच वलवले ने श्रद्धा के फुल भेट करन वास्ते। सरदार सुरजीत सिंह जी जो कि आप संगतां जानदियां ने, चेयरमैन रामगढ़िया कोऑपरेटिव बैंक दे भी उन्होंने उस पद ते काफ़ी टाइम सेवा की। रामगढ़िया सभा गुरद्वारा श्री गुरु रामगढ़िया सभा बी ब्लॉक उन्हों का फाउंडर मैंबर हुई सी। इस गुरद्वारा साहब जिथे कि आप संगतां बैठिया ने, इस सिंह सभा दे विच भी उन्हों का बहुत वड्डा योगदान सी। गुरद्वारा सी ब्लॉक दे विच भी बहुत वड्डा योगदान सी। मैं बल्ली साहब नूं बेनती करदा कि वह अपने श्रद्धा दे फुल भेट करनगे सरदार हरशरण सिंह बल्ली जी। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, फतेह बख्शनी, वाहेगुरु जी का खालसा। अज असी सब सरदार सुरजीत सिंह जी जिन्हों असी सब चेयरमैन के नाम नाल जाणिया करते सां, उन्हां दी अंतम अरदास विच शामिल होने लिए एकत्र होए। एक बड़ा लंबा समा सरदार सुरजीत सिंह जी दे प्यार दी निग नूं माणन दा मौका मिलिया। कई इहो जिहियां यादां ने अज जिहड़ियां फिल्म दी रील वांगू अखां दे सामने आंदियां ने। इह श्रीनगर इलाके दा रेगुलराइज होना, उन्हां दा रामगढ़िया बैंक दा चेयरमैन बनना, इत्थों दी इंडस्ट्रियल सोसाइटी दा प्रेजिडेंट होना, जथेदार जस्सा सिंह जी रामगढ़िया दे बारे पार्क दा बनाना ते उसका मुहूर्त करना, ते फिर जदों एक बड़ा वड्डा संकट आया दिल्ली दी इंडस्ट्री दे उत्ते, सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर कर दिता कि एक निश्चित तरीक तो बाद दिल्ली दे विचकार कोई भी घरेलू इंडस्ट्री नहीं चलेगी, उहदे विचकार उहनां दा योगदान देना। अज इहनां चों किहड़ी गल तों
शुरू करा तो कित्थे गल खत्म हो गई। जिस कलोनी नो असी हरिनगर और खास तौर पर इसका वी ब्लाक कहते हैं, इस रेगुलाइज करने दे विचकार एक बड़ा वड़ा हाथ रहा है सरदार सुरजीत सिंह जी का। अज भी जो मैं आ रहा था तेरी मेरी नजर सामने वाले पार्क वाल जाती सी, मैनू वो दिन भी याद आता सी जदों पंडित जी ने तरसेम जी के पिता जी ते जथेदार सुरजीत सिंह जी ने इस पार्क की गल की सी ते मेरे को नीह पत्थर दिखाया। मैं ये भी याद है कि जो नींह पत्थर रख रहा था तो उस टाइम कलोनाइजर ने स्टे दे दिता सी। तो मैं एक गल कही थी कि 24 घंटे का टाइम जे सोमवार को स्टे फिर होगा तो सोमवार तक इस पार्क में असं तैयार कर देंगे। किस तरह की हिम्मत दिखाई थी पंडित जी ने तो सरदार सुरजीत सिंह जी ने कि 24 घंटे के विचकार ये सारा पार्क भी बन गया, ग्रिलां भी लग गई, झूले भी लग गए, पौधे भी लग गए। फिर मैं याद आता वो इंडस्ट्रियल जो 83 जी आ गई थी सब इंडस्ट्री वाले दे उत्ते, मैं मिनिस्टर सी, मैं सारे बैंकों के चेयरमैन बुलाया, 4 बैंक जड़े खास तौर पर इंडस्ट्री वाले की मदद की अगे आए, पंजाब एंड सिंध बैंक, दिल्ली कोऑपरेटिव बैंक, रामगढ़िया कोऑपरेटिव बैंक, जैन वैश्य बैंक, जिन्होंने इस स्कीम मनिया मेरी नूं कि असीं बैंक वालिआं दे सिर्फ फार्मां दे उत्ते लोन दे देंगे। मैं समझदा कि रामगढ़िया बैंक की भी मजबूती दे लई भी ये सब तो वड्डा एक कदम रहा उस टाइम कि इन्ने लोगों नूं 33,000 लोगों नूं लोन मिलिआ बैंकों दे विच्चों समाल स्केल के उत्ते, तो रामगढ़िया कोऑपरेटिव बैंक का भी ये विचकार ना हो। फिर जो असी गोहाना का इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित किया, अज मैं समझना कि सरदार सुरजीत सिंह जी तो लाल चंद शर्मा जी की देन रही है कि गोहाना इंडस्ट्रियल एरिए सब तो ज्यादा प्लाट अगर तुम्हें वेखन मिलेंगे तो वह हरिनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के रहने वाले लोगों के मिलेंगे और खास तौर पर हरिनगर के बी ब्लाक के मिलेंगे। जस्सा सिंह रामगढ़िया पार्क अपने आप मैं समझना एक किस्म की जो भी यदा चर्चा चलिया करेगा सरदार सुरजीत सिंह जी का नाम जरूर आया करेगा। पार्क चाहे मैं मंजूर कराया हो, मैं तू अपने फंड चो MLA फंड चो बनवाया हो, लेकिन ये जो सहयोग मैं सरदार सुरजीत सिंह जी का रहा है उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज दे दिन सरदार सुरजीत सिंह जी साडे विच नहीं गए, पर एक बड़िया गूहिया तो सुचजिया यादा छोड़ के गए। असी उस वाहगुरु अगे कई प्रार्थना कर सकते हैं, अरदास कर सकते हैं, हे अकाल पुरख तेरा एक सेवक पंथ का दास कौम की भी सेवा करके इस इलाके की सेवा करके तेरे 2-3 सुंदर मंदिर भी चाहे रामगढ़िया गुरुद्वारा होए चाहे बी ब्लाक का गुरुद्वारा होए संगतां नूं सौंप के तेरे चरणा भी जाप राजिया इनू अपने चरणा नाल जोड़ के रखना, आउण जाण दे गेट तो बचाना, परिवार नूं भाणा मन्नण का बल बख्शना। वाहिगुरू जी का खालसा। मैं हुण बेनती करदा साडे विच सरदार अमरजीत सिंह जी फतेहनगर जॉइंट सैकटरी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कौंसलर प्रताप नगर वार्ड वो भी स्टेज पर आ जाण। मैं दसना चाहना संत पूरन सिंह जी भी इत्थे पहुँचे हुए ने, उन्हां वल्लों भी श्रद्धा के फुल भेट करदा। सुरेंद्र सेतिया जी कौंसलर सुभाष नगर तो, गुरशरण सिंह संधु जी, अजीत सिंह सेहरा जी वाइस चेयरमैन रामगढ़िया कोऑपरेटिव बैंक, सरदार इंदरजीत सिंह जी चेयरमैन रामगढ़िया कोऑपरेटिव बैंक, सरदार गुरमिंदर सिंह मठारू जी, सतपाल सिंह त्रिनगर एक्स मैंबर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अवतार सिंह कलसी जी भी पहुँचे ने। मैं बेनती करदा
सरदार अमरजीत सिंह जी फतेहनगर नूं कि अपने शरदा दे फुल भेट करनगे। जुग जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हुजर च बैठी परम सत्कारियो सत्संग जी फतेह दी सांझ करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख जन्म सवा दरगे चलिया, सच्ची दरगे जाए सच्चा फिर मिलिया। अज असीं सारे पंथ की महान शख्सियत जिन्होंने सारी जिंदगी दिल्ली के इतिहासिक गुरुधामां दी और दिल्ली की सत्संग की सेवा की उन्होंने मिठी याद में जो बैठे हाँ, सब तो उच्ची ते सुची सनानी भाई साहब ने कीर्तन राय दिती है। उस तो बाद असीं सारे ने संगत रूप में साहिबां दे चरणां च अरदास की है। बिरथी कदे ना होवे जन की अरदास। सच्चे पातशाह उन्होंने सदीव काल अपने चरणां दी वास बख्शणगे ते पिछे परिवार नूं पाणा मलन दा बल बख्शणगे। जैसा बल्ली साहब ने सारे ने हुण दस्या है कि उन्होंने सारी जिंदगी इन्ने काम किए कि वह गिनती नहीं की जा सकती और उन्होंने नक्शे कदम से चलते हुए उन्होंने सपुत्र गौगी जी और गुरदीप जी वो भी पंथ की और संगत की सेवा कर रहे हैं। मैं साहबां के चरणों एक बार फिर अरदास करना सच्चे पातशाह उन्होंने सदीव काल लिए अपने चरणों निवास बख्शणगे तो पिछे परिवार को पाणा मलन का बल बख्शणगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं बेनती करदा सरदार परमजीत सिंह सरना जी एक्स प्रेजिडेंट दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वह भी स्टेज पर आ जाण अपने शरदा दे फुल भेट करन। गुरद्वारा सी ब्लॉक दी प्रबंधक कमेटी ने भी इत्थे हाजरी भरी है। सरदार अमरजीत सिंह टक्कर जी, जी एस गरचा जी, एम एस ब्लॉक तो सरदार परमजीत सिंह मक्कड़ जी, बब्बू जी रामगढ़िया सभा तो सरदार केवल सिंह जी, सुरजीत सिंह जी वो भी हाजरी भर रहे ने। श्री तरशेम शर्मा जी, प्रवीण विग जी, प्रदीप शर्मा जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस कमेटी, सुरेंद्र पाल सिंह ओबराय जी, राजेश लाडी जी प्रेसिडेंट ब्लॉक कमेटी कांग्रेस। मैं हुण बेनती करदा परमजीत सिंह सरना जी नूं शरदा दे फुल भेट करनगे। परम सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज का फरमान है सब ना सोहरे वंजना सब मुकलावन हार, मरण लिखाए मंडन में आए। सरदार सुरजीत सिंह की शख्सियत बारे जितने भी असं इतने सज्जन बैठे हाँ और सारे परी प्रकार जाणू हैं और बल्ली जी ने उन्हां बारे विस्थार इस इलाके की जो सेवा की है उसके बारे तुहानू दस्या भी है। मैं समझदा हां कि सरदार सुरजीत सिंह ने चेयरमैन साहब ने जड़ी अपने जीवन काल में सेवा की है उसका माण सत्कार अगर किसी ने दिता है तो श्रोमणी अकाली दल दिल्ली ने दिता है। मैंने अज भी याद आ रहा है जब जथेदार गुरचरण सिंह गतका मास्टर सरदार गुरबचन सिंह सभरवाल तो एक अद होर सज्जन जब 2002 दियां चोणां तों बाद आए तो कहन लगे भई सरदार सुरजीत सिंह चेयरमैन साहब की वर्गी शख्सियत जड़ी है इसनों पार्टी वालों काफसर मिलनी चाहिए है। और मैं उन्होंने ना नहीं कर सकया पर इतना जरूर कहा कि तुसी मोर जथेदार गुरचरण सिंह ढोड़ा की लगवा लियो तो मेरे वालों तुहानू हाँ है। फिर वो मैंबर बन के जिस तरह उन्होंने दिल्ली सिख गुरुद्वारा पंथक कमेटी की सेवा की है उस दे बारे आप तुसी सारे जानते हो। इस गल कोई शक नहीं कि वो बहुत धार्मिक वृत्ति वाले वो बहुत शरीफ इंसान सन, सोच अच्छी सी। मैं यही कहांगा उन्होंने दोवां सपुत्रां नूं बाकी परिवार के मैंबरां नूं जिहड़ी नेकनामी उन्होंने खट्टी है उस नेकनामी नूं तुसी अगे लैके जाणा है। तुहानूं उन्हां दी संगत करन दा उन्होंने आशीर्वाद लैण का बहुत वड्डा समा मिलिया
और आने वाले समय दे विच जिहड़ी गुरु की सोच है तो जिस तरह वो गुरु की सोच से चले उस तरह तुसी चलना और उस तरह ही तुसी इस तरह उन्हां दा नाम चेयरमैन साहब का नाम होर रोशन करोगे। मैं अपने वालों अपनी पार्टी वालों जिते श्रद्धा ते सत्कार दे फुल भेट करदा वां उत्थे गुरु महाराज अगे अरदास करदा सच्चे पातशाह यह जीवन बतीत करदे आया इन्ना लम्मा सफर बतीत करदे आया जाने जाने किसी तरह की भुल चुक हो गई होवे ते क्षमा करदा आया अपने चरणा च नवाज बख्शना परिवार नूं भाणा बनण दा बाज बख्शना और सिखी रहत बरादरां च चलण दी समर्था बख्शनी। वाहेगुरु जी का खालसा। मैं हुण बेनती करांगा साडे इलाके तो कौंसलर श्रीमती किरण चोपड़ा जी नूं वो भी आन ते अपने श्रद्धा दे फुल भेट करन। साडे विच हरजीत सिंह लहरी जी भी ने बीबी रंजीत कौर जी मैंबर दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वो भी आए हुए ने बीबी महेंद्र कौर जी ओम प्रकाश चड्डा जी रूप सिंह जी जेडे कि सरदार बलवंत सिंह रामूवालिया जी ने भेजे उचेचे तौर पर वह भी पहुँचे ने सरदार करनैल सिंह सूरी जी प्रेजिडेंट आर डबल्यू ए संतनगर मोहन सिंह जी भैनी साहब तो मनजीत मक्कड़ जी बीबी महेंद्र कौर जी के एस मिनास जी भी पहुँचे ने। मैं बेनती करदा किरण चोपड़ा जी नूं कि अपने श्रद्धा दे फुल भेट करन। प्यारी साध संगत जी फतेह दी सांझ करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मरना सच जीना झूठ जो ये जेड़ा इस संसार च आया उसने जाना अवश्य किस तरह जाना ये वाहिगुरु खुद जानता है। मैं बापू जी नूं उदों दी जानदी हाँ जदों के रामगढ़िया गुरुद्वारा दे बापू जी प्रधान सीगे और मैं इन्हां दी वड्डी बेटी दे नाल शब्द और हम असी बाजा सीखण जांदे हुंदे सीगे हारमोनियम। उदों मेरी मुलाकात बापू जी नाल होई और सारे इन्हां नूं बापू जी कहिंदे सी। मैं बड़ा प्यार लिता बापू जी को। बल्ली जी ने उन्हां दे बारे सारा कुछ तुहानूं दस दिता पर मैं बापू जी को बहुत प्यार लिता। जदों भी मैं बापू जी नूं मिलन आई है उन्होंने मैनू आशीर्वाद ही दिता कि बेटा मैं तेरे साथ। बड़ा मुझे हौसला मिलता सी कि बापू जी का आशीर्वाद मिल गया तो मेरी फतेह जरूर होएगी। मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए मैं ही वाहेगुरु के सामने प्रार्थना करती हूँ। हे वाहेगुरु बापू जी के अपने चरणों में स्थान देना और पीछे परिवार नु दुख सहन दा पाना बख्शना। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं हुण बेनती करदा राजकुमारी कोकल जी नु एक्स कौंसलर हरिनगर वो भी स्टेज ते आन अपने श्रद्धा दे फुल भेट करन। सरदार अवतार सिंह जी अजीत सिंह जी चेयरमैन विकास पंजाबी विकास मंच वो भी पहुँचे ने इंद्रपाल सिंह काला जी पहुँचे ने नरेंद्र सिंह मठारू जी गुरप्रीत सिंह शमी जी सुखिंदर सिंह लड्डू जी जगजीत सिंह रियल जी जेड़े कि अपनी हाजरी लवा रहे ने थले बैठे ने सेहत ना ठीक होने के कारण उपर नहीं आ सके। सतवंत सिंह एडवोकेट करोलबाग तो अमरदीप सिंह दुग्गल जी तजिंदर सिंह भाटिया जी भी आए ने सरदार सुखराज सिंह जी स्पोक्समैन तो भी हाजरी भर रहे ने। मैं बेनती करदा कोकल जी नूं कि वह भी हाजरी भरन। राजकुमारी कोकल जी। सत्कार योग साध संगत एक बार सभी हम लोग जयकारा बुलाएंगे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरे पिता समान मेरे चाचा जी जिनके आज दुख में उनके यहाँ ना रहने से इतनी बड़ी संख्या में
गणमान्य व्यक्ति, मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें, सभी लोगों के दिलों में उनके लिए कहीं ना कहीं दिल के कोने में श्रद्धांजलि देने के लिए शब्द बैठे हैं, लेकिन हम लोग तो आकर यहाँ पर उनके बारे में बोलकर जा रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बाहर तक सभी लोग चाचा जी को याद कर रहे हैं। मेरे से पहले विस्तार में उनके जितने भी उनके कार्य थे जो उन्होंने समाज के लिए किए, क्योंकि जो लोग समाज के लिए काम करते हैं परिवार के साथ साथ, उनके लिए सभी लोग आंसू बहाते हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं इतना जरूर कहूँगी कि हाओ हम सब लोग मिलकर ऐसे जो बुजुर्ग चले जाते हैं अपने कार्य की, अपने आदर्शों की एक छाप छोड़कर जाते हैं, हम भी ऐसे बुजुर्गों से कुछ अंश लें और समाज के लिए जिस प्रकार चाचा जी ने अपना समय दिया, कीमती समय दिया, हम लोग भी ऐसे रास्ते पर चलें और जो परिवार में समाज में इतना बड़ा जो दुख आया है, गुरु नानक जी वाहेगुरु जी उनको सहने की शक्ति दे। इसके साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। मैं बेनती करता सरदार बलदेव सिंह जी जो कि रामगढ़िया कोऑपरेटिव बैंक तो आए ने, वो भी स्टेज पे आके अपने श्रद्धा दे फुल भेंट करन। सरदार भुपिंदर सिंह सबरवाल जी प्रेसिडेंट गुरु नानक सिख सोसाइटी यमुना पार तो भी हाजरी भर रहे ने, अते जेड़े सोग संदेश आए ने गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल MS ब्लॉक तो, हरिनगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, रामगढ़िया कोऑपरेटिव बैंक तो, श्री महाशक्ति दुर्गा मंदिर समिति तो, हरिनगर घंटाघर ए ब्लॉक तो, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सी ब्लॉक हरिनगर तो, लालचंद शर्मा जी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हरिनगर वार्ड तो, रामगढ़िया गुरुद्वारा रामगढ़िया सभा तो, सरदार परमजीत सिंह मक्कड़ जी जो MS ब्लॉक गुरुद्वारा साहब हरिनगर तो, अते सरदार सुरजीत सिंह जी फाउंडर प्रेसिडेंट सी BE ब्लॉक प्लॉट होल्डर एसोसिएशन दे, जिदे की प्रेसिडेंट OP चड्डा जी ने, इस वेले जनरल सेक्रेटरी तरसेम शर्मा जी ने, वो भी श्रद्धा दे फुल भेंट करन वास्ते बैठे ने। श्री RK आनंद जी XMP जेड़े ने, उन्हां वल्लों भी सोग संदेश आया। मैं बेनती करदा सरदार बलदेव सिंह जी नूं वो भी 2 मिनट का समा लैण। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी जोरी साजी नवाजी गुरु रूप साध संगत जी फतेह दी सांझ पाउणी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज असीं सारे चेयरमैन साहब सुरजीत सिंह दी मिठी याद विच इत्थे गुरुद्वारा साहब एकत्र होए हां। बहुत कुछ दस्या गया साहिब सुरजीत सिंह बारे, साडा बहुत पुराना साथ सी उन्हां नाल, राणा प्रताप बाग भी आउंदे सी जदों इन्हें रिश्तेदारी सी मुलाकात हुंदी सी। बहुत ही मिठ बोल रहे सुभा दे, हर एक दे दुख सुख विच खड़े होण वाले, जिस तरह बली साहब ने ते होर बुलारे ने दस्या कि किस तरह इलाके दी उन्होंने सेवा कीती है, मैं उस विस्तार विच ना जावां क्योंकि समय की पाबंदी जरूरी है, होर भी बुलारे बोलन वाले हन। साढ़े असी 1995 रामगढ़िया कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव में साडा ग्रुप जितया, सरदार सुरजीत सिंह जी चेयरमैन बने। उन्हां दी चेयरमैनशिप विच बैंक ने बहुत तरक्की की, तो वो बाकी जिस तरह दस्या गया रामगढ़िया सभा रामगढ़िया बोर्ड सब जगह उन्होंने बहुत ज़्यादा सेवा की है। मैं रामगढ़िया कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स वालों जो कि साढ़े चेयरमैन साहब वाइस चेयरमैन तो होर डायरैक्टर साहबान इतने हाजिर हैं, परिवार के दुख भी शामिल हैं, उन्हां वालों बिछड़ी आत्मा नूं श्रद्धांजलि भेंट करदा हाँ। तो सतगुरु के चरणा चरदास है पिछे
परिवार को भाणा मनण का बल बख्शन ते अपने चरणा च निवास बख्शन। एक जो संस्कार होंदे हन परिवार दे वो वड्डियां कोलों मिलदे हन। असली श्रद्धांजलि दा मतलब की हुंदा है, वो है विछड़ी आत्मा दे शुभ गुणा नूं अपनाउणा। जिस तरह पहले सब तो पहले घर तो शुरुआत होंदी है शुभ गुणा नूं अपनाना, फिर समाज विच पंथ विच। इस तरह ही जो संस्कार साहिब सुरजीत सिंह तो परिवार नूं मिले हन, उन्हां दा परिवार भी उसे लीहां ते चलदा है, उसे लीहां ते चलदा होया गुरु चरणा विच सेवा भी कर रहा है। रामगढ़िया कोऑपरेटिव बैंक विच गागी जी डायरैक्टर भी हन, रामगढ़िया बोर्ड की भी सेवा कर रहे हैं। इन्हां सारिआं दा इस दुख विच असी सारे इन्हां दे नाल हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं हुण बेनती करांगा सरदार अवतार सिंह हिट जी नूं, सीनियर मैंबर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, चेयरमैन गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, वो आन ते अपने श्रद्धा दे फुल भेट करन। होर भी बुलारियां दे नाम से समय नूं देखदे होए उन्हां कोलों क्षमा मंगी जांदी। सरदार सुखदेव सिंह रायत जी, प्रेजिडेंट ऑल इंडिया रामगढ़िया फैडरेशन, वह भी आए ने, उन्हां कोलों हाथ जोड़ के माफ़ी मंगी जाती है। समय नूं देखदे होए बहुत ही समा हो चुकिया, अते संगतां नूं बेनती भी करी जाती है कि बीबिया वास्ते जिहड़ा लंगर का प्रबंध है थले लंगर हॉल बेसमेंट च है, अते बाकी संगतां दे बाहर भी लंगर का अरेंजमेंट किया होया टेंट दे विच, कृपया करके परिवार वालों बेनती की जाती है कि लंगर जरूर छक के जाण। मैं हुण बेनती करांगा अवतार सिंह हित जी नूं कि वह भी अपने श्रद्धा के फुल भेट करन। सरदार अवतार सिंह हित जी, सतगुरु के हजूरी च बैठे गुरु प्यारी साहब सिंह जी सारे फतेह बुलाओ गज बज के, वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। विके जी ने मुझे तो सारे बुलाते, अजे भी हो रही तो मेरे ख्याल बोलने भी शकती। और सरदार सुखदेव सिंह जी रैत जेडे ऑल इंडिया रामगढ़िया विश्वकर्मा फैडरेशन के प्रधान बने ने, वह भी आए हुए हैं इतने, तो उन्होंने भी मैं इतने आया घर परिवार जी हाँ धन्यवाद करदा। उन्होंने बुलाना चाहिए सी, धन नहीं रहा होना उन्होंने। सरदार सुरजीत सिंह बारे सारे आप बोल के गए हैं, सब ने अपने अपने विचार दिते है। जिन्ना तुम पता जो गुरु नानक साहब गए ना उ बगदाद, तो बगदाद जाके उन्हें आख्या कि पताला पताल लख आगासा आगास कोड कोड भाल थके वेद कहने के बाद, वो मुसलमान जिन्हें से पीर दस्तगीर वो कहते बिल्कुल गलत है, साढ़े तो खुदा ने आखे आप ही पताल पताल नहीं सत पताल सत आकाश है। तो गल महाराज कहते गल ठीक है तेरी भी ठीक है, भाई जिनी किसी को समझ सी उन्हें उन्नी गल कर दी। तो सुरजीत सिंह पूरा किसी को भी नहीं होया, कोई जिन्हें जिन्हें किसी ने तुरै वो कहता मैंने प्यार दिता से, वह कहता मैंने बाजा सिखाया से, वह कहता मैं ना किया हूँ जिन्ना क मैं पता वो मैं दस दिना। सरदार सुरजीत सिंह एक ऐसी शख्सियत हुई है हरिनगर के दिल्ली के, हैं मिरले ना ही घने सैर फकड़ संसार। ये उन्होंने लोगों में होया बंदा जेड़े बहुत घट लोग पैदा होंगे दुनिया में, निरस्वार्थ निर्लेप रह के सी ब्लाक तो सेवा शुरू की ने सिंह सभा की। उत्थे घमसान का युद्ध से, उत्थे लोग यहोजा बढ़ गया आगे कि जिन्हें जिक्र करा तो लंबा हो, उतों छड़िया ते रामगढ़िया गुरुद्वारे की जमीन ली, प्लाट खरीदया, पहला प्लाट के पैसे कट्ठे किए, घर घर धक्के खाधे जा जाके। एक गल ठीक है कि लड़े फौज ना सरदार तक वो भावे उस वे सारे से, सर राम सिंह सीरा साहब नाल सी, सरदार प्रीतम सिंह मथाड़ू नाल सी, बड़े होर बंदे नाल सन। तो मैं राजनीति में सही महीने में लगे शुरू होया, मैं उस तो पहला मैं भी गाँव मैं तो प्रीतम सिंह अर्शी दो दोस्त से, तीजा दोस्त सा सुरजीत सिंह से, यह साडा वड्डा सी ते साडे असं चलते। फिर रामगढ़िया प्लाट लैके देखो तुहाडे सामने किड्डी वड्डी बिल्डिंग बनाई है, वो कोई कुछ कही जाए चलते काम को संभाल लेना भी बहुत अकलबंदी होंगी सियाणपा होंगी, पर बिल्डिंग बनाना एडे वे खड़ा करना प्रोजेक्ट में एक हारा हर बंदा काम नहीं, यह सुरजीत सिंह ने किया। जो अज रामगढ़िया
सभा हूँ चला रही है, बहुत वधिया शानदार चलता पाया। उस तो बाद गुरद्वारे दे प्लाट लिया, वह किदां लिया सारे जानते हैं जिन्हें इतने बैठे है, किनिया तशद्दद किन्ना कुछ होया, आखिरकार अखीर ते जाने दा सारा कुछ भी उही करा के गया। अज उह दिसदा मैनूं उहदा हर वक्त उहदे इक इक मिनट उहदा आई सी मैं किते ना किते ला लिया। उहने कौम की खातर बरादरी की खातर, मैं इत्थे बरादरी दा बैठे सारे केवल सिंह हुणी बैठे आ, मैं उन्होंने भी बेनती करना कि तुम भी रामगुड़िया गुरुद्वारे के बड़े कीर्तन दरबार कराओ एक उन्होंने नाँ का। इतने बिल्कुल करुणा एक मैं अनाउंस कर रहा तुम्हें इतने सुरजीत सिंह का ना उत्थे नाँ का कीर्तन करवाना है, और उन्हें उस गुरुद्वारे की नींह रखी है। वो जिन्हें लोगों ने बहुत वड्डे काम किए, बहुत बंदे साढ़े हुए हुए ठेकेदार करतार सिंह किन्ने बंदे से नाल सारे असं सारे नाल होंगे स, लेकिन सुरजीत सिंह ने मेहनत की सारी इतने उन्हें की। अज गुरुद्वारा शानदार तरीके चलता पाया, कि वधिया प्रबंध इतने चलता पाया। हुण कमेटी जी चला रही है, तो चलाना भी चल कमां बहुत औखा हुंदा, बहुत वधिया चल रहा। सुरजीत सिंह मैंबर बनिया गुरुद्वारा कमेटी का, जिवें हुणे सरना साहब कह के उन्होंने कोप्ट किया, उन्होंने अपनी मैंबरी दे विच बहुत काम किया। रामगढ़िया कोआपरेटिव बैंक वाले बैठे इतने, तो बैंक वाले ने मैं कहना तुम उत्थे कीर्तन कराओ एक, उन्होंने ना की सभा कराओ एक, उत्थे तुहानूं भी उत्थे पता लगे सा इंदरजीत सिंह तू चेयरमैन होना इस वे उत्थे चेयरमैन नवा बैठा साडा इत्थे उन्होंने जगह जो बहुत काफ़ी लंबे समय से सेवा कर रहा। मेरे ख्याल सुरजीत सिंह बाद चेयरमैन तुम बने हैं, और सुरजीत सिंह के नाँ की उत्थे एक सभा करो। जिहड़े लोग मैनूं गल ज्ञानी जैल सिंह की याद आउंदी आ, जदों करतार अपना तारा सिंह कामल की डैथ हुई तो लोग कहने लगे छेती छेती कर लग पाया, तो ज्ञानी जैल सिंह उठ के खड़ा हो गया, होम मिनिस्टर से उदो वो जो खड़ा हो गया कहते की कमाल करते, एक बंदे ने जिंदगी इन्ना कुछ किया है तो वो तो पिछों मुड़ के सभा होनी नहीं कोई भी। तो अज जो वो गल आप कहना तो किसी को पता कि कामल है कौन सी। सुरजीत सिंह की जी सभा अज हो रही है बहुत महत्वपूर्ण सभा है, मर सब ने जाना रहना नहीं, तो किसी ने सभना मरना आया विछोड़ा सभना पुछो जाए सियाणा अगे मिलने किना मिलाप नहीं कितने, लेकिन मरना सब ने मरण तो कोई बच नहीं सकता। इस करके मर जाना कोई नवी गल नहीं, मर जाना कोई हैरानी नहीं, पूरी उम्र भोग के गया सा शानदार परिवार खिड़िया वह इतने पिछे बैठा, उस कोई कमी नहीं परिवार के तो सारा पूर्ण करके गया सारा कुछ, लेकिन मर जाने तो कोई बच नहीं सकता। इस करके मरना जिदा क्या मरना सच जीवना झूठ है, मरना सब ने पर जान तो दी हुई होगी उसी की थी हक, ये था कि हक अदा ना हुआ मर जाना है। हक केड़ा है कि अपनी जिंदगी दे विचों कोई नाम सिमरन कोई संगत की है कोई चंगा काम किया कोई भला किया, जिदा गुरबाणी कहती है कि गुरमुख लाहा लै गया मनमुख चले मूल गवाए जी, भी कितने एवं तो नहीं निकल गई गल्ला बातें जी, तो जे उदा ही निकल गई तो फिर जमन मर पै जाऊगा फिर। तो जिन्हें अपनी जिंदगी समाज की सेवा की, देश की सेवा की, कौम की सेवा की, परिवार की सेवा की, परिवार की सेवा भी करनी बहुत वाला पुन जे भुलेखा रखना, मैं बाहर जाके सेवा कर दे तो घर के रोंद फिर ये कोई सेवा नहीं होती, घर की सेवा पहलों है। तो नाम जपया संगत की वास्ते मारे फैसला किया, गुरमुख जन्म सवार दरगे चलिया सच्ची दरगे जाए सच्चा पिड़ मलिया। सरदार सुरजीत सिंह ने जन्म तो लैके समाज की सेवा भी की, देश की भी की, परिवार की भी की, और कौम की भी की, उन्हें पूरी जिंदगी अपना दसवंध मुकम्मल करके गया। गुरसिखी जीवन में पैदा होया, जीवन सिखी में ही जीविया सारी जिंदगी, और सिखी में ही चला गया संसार में छड़ के, तो सच्ची दरगाह के सच्चे पिंड चला गया। इस तो वध चंगे कर्म होर किसी के हो नहीं सकते। तो अज संगत जी है ये महाराज का हुक्म है जरा आप इतने बैठे हैं, ये आप एवं नहीं बैठे, ये मर्यादा भी सानू सतगुरु ने दी है कि सतगुरु भाने अपने बह परिवार सधाया, ये मर्यादा है। की क्या उन्होंने कि मर जाए बंदा उस तो बाद की करना रोना नहीं, सतगुरु भाने अपने बह परिवार सधाया, मत मैं पिछों कोई रोब सी सो मैं मूल ना पाया, मत मैं पिछों कोई रोब सी सो मैं मूल ना पाया, अंते सतगुरु बोलिया मैं पिछों कीर्तन करियो निर्वाण जियो केशव गोपाल पंडित सदियो हर हर कथा पढ़ो पुराण जियो। ये मर्यादा सब इस मर्यादा च बैठे हैं, तो असी इस मर्यादा के हम अरदास की कि सच्चे पातशाह कितने गाहे बगाए इंसान भुलन हार है, कोई गलती की हो ना चितारी सदीव काल सदा सुरजीत सिंह सचखंड अपने चरणों में रखी, पिछे वो परिवार को बच्चों धियां सारे ये भाणा मन का बल बख्शी।
मैं इन्होंने बच्चों दोनों कहना चाहना है, मेरे छोटे छोटे भरा है, पर मैं इन्होंने गल कहनी चाहना, आड़ी सभा जुड़ी है ना, मुड़के नहीं जुड़नी है, अगली बारी चौथा किस्सा बंदे हो गए, उस तो अगली बार तुम घर दे रह जाना। जे तुम उनकी याद न संभाल लिया, जे वे कर्म न संभाल लिया, तुम आप एक एक बंदा लिखे ला दो सुरजीत सिंह, जे सुरजीत सिंह जीता रखना दे, तो जे तो वो कर्म से चल पे, उन्ना त्याग, उन्ना मिठ बिबला, उन्ना प्यार वाला बंदा, उन्ना संजीदा बंदा, जिन्नी वे गुण सी, तो सुरजीत सिंह सारी उम्र जीता रहूगा, युगों तक जीऊगा। तो जे तुम भुल भल गया तो सारे लोग तो पहले भुले होंगे, इस करके सुरजीत सिंह जीना रखने वास्ते सुरजीत सिंह के गुण अपनाने पैणगे, अपनाओ, उन्हें बहुत चंगे काम किए, उन्हें बहुत नाम खटिया, नाम अपना इतने भी बनाया, वह ना दरगाह च भी बनया, इस करके मैं तुम्हें ये नसीहत देनी चाहता सी कि तुम वो पाए पूरे चल के अपना जन्म भी सफला करो, तो वह भी जब मेहनत की सफल होएगी। इन्ना कुछ कहना मैं सारी संगत का, जिन्हें दूरों दूरों नेड़े चल के आया, कोई सैकटरी साहब के कोई रह गया अपना नाग भुलेखे ना कभी रह गया, उन्होंने सारे बोल दते इन्होंने, जो कोई रह गया आए तो महसूस ना करना, क्योंकि अभी भुल भी जाता बंदा, सो सब का बहुत बहुत धन्यवाद, तो गज बज के फतेह बुलाओ, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। परिवार वालों जिहड़ी कि दसवंध विचों राशि कढ़ी गई है, मैं अनाउंस कर देना, यह राशि गुरद्वारा सिंह सभा बी ब्लॉक के जनरल सैकटरी साहब अवतार सिंह परदेसी जी को आप लैन की खेचल करो। गुरद्वारा सिंह सभा प्रताप नगर, गुरद्वारा सिंह सभा एम एस ब्लॉक, गुरद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सी ब्लॉक, मोहन मंदिर बी ई ब्लॉक, राधा कृष्ण मंदिर बी ई ब्लॉक, स्वर्ग आश्रम मंदिर हरिनगर, गुरद्वारा रामगढ़िया सभा बी ब्लॉक, गुरद्वारा श्री गुरु सिंह सभा बी ई ब्लॉक, ये जड़ी दसवंध की राशि कढ़ी गई है जनरल सैकटरी साहब को लैन की खेचल करो। अते मैं फिर बेनती करदा, परिवार वालों हाथ जोड़ के बेनती की गई है कि लंगर जरूर छक के जाना, बीबिया वास्ते थले बेसमेंट लंगर हॉल में लंगर का प्रबंध किया गया, बाकी संगत बाहर भी छक सकदियां ने, भीड़ नू देखते हुए ये दो जगह लंगर का प्रबंध किया गया, हाथ जोड़ के बेनती है कि लंगर छकन। अते गुरद्वारा श्री गुरु सिंह सभा बी ई ब्लॉक दी समूह प्रबंधकों वालों आप संगतों का धन्यवाद किया जाता कि आप इस दुख की घड़ी च शामिल होकर परिवार के नाल खड़े जे, इन्हों शब्दों के नाल फतेह की सांझ बुलाने, वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। जपो सतनाम 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 जी, सतनाम 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 जी, सतनाम सतनाम सतनाम।